अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज सर्कल गिवन ऑन पेज नंबर 177 ऑफ योर बुक। एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज सर्कल एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सो what is the definition of a circle? A circle is a plane figure in which all the points are at the same distance from the center. Means a circle आपके पास एक plane figure है और सर्कल के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। मींस आपके पास ये पूरा सर्कल है, सो आप देखें सेंटर से, ये सेंटर से आप यहाँ पे डिस्टेंस लें तब भी ये सेम आएगा, यहाँ तक डिस्टेंस लें तब भी सेम आएगा, यहाँ तक लें, मींस सेंटर से इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक आप डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू सर्कल एंड द फर्स्ट वन इज सर्कमफेरेंस। सो व्हाट इज सर्कमफेरेंस? द एज ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मीन्स ये जो सर्कल का एज होता है, ठीक है, ये जो एज किसको कहते हैं, किनारे को, ठीक है, या बाउंड्री को। तो ये जो सर्कल का आपके पास एज होता है इसे आप क्या कहते हैं, इसको आप एज को कहते हैं कि आपके पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर द शेप ऑफ द सॉसर इज सर्कल, और ये जो इसका एज है, ठीक है, ये जो इस सॉसर का ये जो एज है ये आपके पास क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास सर्कमफेरेंस है सर्कल का, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कमफेरेंस। सो आर नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेमी सर्कल। व्हाट इज सेमी सर्कल? हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जब भी आप सर्कल को हाफ करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज ईच हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। And the next very important definition is that is diameter of a circle. So what is the definition of diameter? That is the line which joins two points on the circumference and passes through the center of the circle is called the diameter. Means आप ये देखें ये line है और ये circle के center से pass होके जा रही है। ये देखें ये lines circle के center से pass होके circle के circumference के ऊपर two points को join कर रही है। देखें circumference पे ये एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, और ये किससे पास करिए, सेंटर से पास करके सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सो आप याद रखें कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होके जाता है, ठीक है ना। जो सर्कल का डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास होके सर्कल के सर्कमफेरेंस के टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो ये डेफिनेशन के थ्रू भी आपको ये पता चलेगा, द लाइन लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी वो लाइन जो सर्कमफेरेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है आपस में लेकिन सेंटर के सर्कल के सेंटर से पास होके, ओके। सो दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। What is the next definition? That is radius of a circle. Now, what is radius? That is the line from the center joining any point on the circumference is called the radius. Means आपके पास ये जो radius है ये center से start होता है और circumference पे किसी भी point को जाके join कर लेता है, ठीक है। Means ये center से आपके पास जाएगा और आपके पास ये सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लेगा, सो इट इज़ कॉल्ड रेडियस। सो देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? अच्छा, आपको फिगर से भी नज़र आ रहा होगा कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है। ये देखें ये फुल लाइन है और ये हाफ लाइन है, सो इट मींस के डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। मींस आप रेडियस को जब डबल करते हैं तो क्या बन जाता है, डायमीटर। सो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय रेडियस। मींस आप जब रेडियस को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डायमीटर। ये आपको फिगर से भी नज़र आ रहा होगा कि देखिए ये आपके पास हाफ है किसका,
डायामीटर का, सही है। तो आपके पास फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, दैट इज आप जब रेडियस को डबल करते हैं, डबल करने का मतलब क्या है कि आप उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डायामीटर आ जाता है। सो जब भी आपको रेडियस गिवन हो और आपने डायामीटर फाइंड आउट करना हो तो इट्स वेरी सिंपल, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायामीटर आ जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सो हाउ विल यू फाइंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल? सिंपली डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास क्या है, 3। सो आपके पास डायमीटर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास डायमीटर गिवन हो और हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी एक मेथड है, आप देखिए। ओके नाउ इफ डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस देन रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, मीन्स अगर आपको डायमीटर गिवन है और आपने रेडियस फाइंड आउट करना है तो इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है रेडियस डायमीटर के हाफ होता है, हाफ का क्या मतलब है, मीन्स जब आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अगेन सुन लें कि अगर आपके पास डायमीटर गिवन है सर्कल का और आपने रेडियस फाइंड आउट करना है तो वेरी सिंपल, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर तो रेडियस आपके पास कैसे आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। सो अगर आपको कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्राइंग सर्कल, एंड ड्राइंग सर्कल में आपके पास रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात याद रखिए, सर्कल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपके आपके पास रेडियस होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्कल ड्रॉ करते हुए आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियस। और अगर आपके पास रेडियस नहीं है, डायामीटर गिवन है, तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे और फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके सो यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है, सो इट्स ओके, वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो 2 चीज़ें हमें चाहिए, दैट इज स्केल एंड, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, एंड कंपस। ओके और कंपस के अंदर, ये हमारे पास कंपस आ गया, और कंपस के अंदर आप अपने अपनी पेंसिल को सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब आपने क्या करना है, कंपस को ओपन करना है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा इजी है। कैसे आप करेंगे देखें, 1 2 3 4, और 4 से आगे छोटी छोटी लाइंस आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये सर्कल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने रखना है ये पॉइंट और आपने यहाँ तक इसको ओपन कर लिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 तक ले जाएंगे। सो दिस इज़ एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आपने क्या करना है, अच्छा इसका एक और मेथड ये भी है कि आप 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें और उसके साथ आप सर्कल ड्रॉ कर दें, लेकिन मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे मैं रखूँगी कंपस को, और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ अ सर्कल। ओके आप रोटेट करेंगे पूरा, ये देखें यहाँ पे मैंने रोटेट किया और ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। और आपने यहाँ पे, मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्योंकि आपने 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ करके उसको 4.5 मेंशन कर दूँगी, देखिएगा मैं कैसे करूँगी। ओके अब यहाँ से देखिए, मैंने सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि क्या है, सर्कल का रेडियस है, और इसको आप जब मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी रेडियस से ये सर्कल ड्रॉ किया है। ओके सो यहाँ पे जो सेंटर है इसको कोई भी नेम दे दें, दैट इज़ ओ और ए, कोई भी नेम आप दे सकते हैं, और इस पॉइंट को भी कोई भी नेम दे सकते हैं, दैट इज़ ए कैपिटल लेटर से, ठीक है। सो यहाँ पे ओ, और ये जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जिस पॉइंट को टच कर रहा है ये रेडियस, दैट इज ए। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ सर्कल। ओके नाउ इन केस अगर आपको डायमीटर गिवन है और आपने सर्कल ड्रॉ करना है, दैट इज
draw a circle of given diameter that is 7 सेंटीमीटर. तो याद रखिए सर्कल कभी भी डायमीटर से ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है. आपने डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने सर्कल ड्रॉ करना है. तो रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रेडियस कैसे आएगा, अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैसे आएगा. आपको पता है रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, मीन डायमीटर को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. और आपके पास ये रेडियस आ गया, नाउ यू कैन ड्रॉ योर सर्कल, मीन्स आपने कितने का सर्कल ड्रॉ करना है, दैट इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. सो इस तरह से आपने अपने सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं एंड यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशंस इन योर नोटबुक. थैंक यू.